शनि देव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनि देव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनि देव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान का भी नुकसान होता है और परिवार में कलेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनि देव की पूजा आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो ये कुछ उपाय जिनसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनि देव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनि देव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनि देव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द की दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनि यंत्र की पूजा। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी होती है। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। शनि मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कुत्तों की सेवा करें। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनि देव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वाले से शनि देव देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देना और उनकी देखभाल करने वालों से शनि देव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी की करें आराधना। बजरंग बली और शनि देव का गहरा नाता है, दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनती है। शिव जी की करें पूजा। भगवान शंकर शनि देव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनि देव सदा उसका ध्यान रखते हैं।